The remedy which we will be discussing today is Melilotus alba. Melilotus alba का common name है sweet clover और ये leguminosae family को belong करती है. ठीक है, इस remedy में congestion बहुत important है. ठीक है, और hemorrhage. तो basically इसकी जो body होती है वो बहुत ज्यादा congested होती है blood से, या फिर इसके जो जितने भी vessels होते हैं वो सारे इनगोर्स्ड होते हैं ब्लड से, जिसकी वजह से इसके पर्सन में हीमरेज बहुत ज्यादा देखने को मिलता है. ठीक है, इसको वॉयलेंट कंजेस्टिव हेडेक, मतलब ऐसा लगता है कि सर में बहुत ज्यादा ब्लड भरा है एक्सेसिव, उसकी वजह से हेडेक होता है. और हेडेक में आराम कैसे मिलता है? हेडेक में आराम मिलता है आफ्टर एपिस्टैक्सिस. ठीक है, नोज से जब डिस्चार्ज हो जाता है ब्लड का या फिर हीमरेज हो जाता है तो उससे आराम मिलता है. ठीक है, अब हम इसकी कन्वर्जन्स की बात करते हैं. तो अगर नर्वस चिल्ड्रन में कन्वर्जन हो रहा है ड्यूरिंग डेंटेशन, मतलब जब उनके दांत निकल रहे हैं, तो हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, इन्फेंटाइल स्पाज, इक्लैम्पसिया या फिर एपिलेप्सी, अगर कोई बच्चा है उसमें स्पाज्म की प्रॉब्लम है या फिर इक्लैम्पसिया है, मतलब जो फीमेल है वो अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स है या फिर जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स की वजह से अगर सीजर्स वाली कंप्लेन आ रही है तो वी कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी. पर्सन जो होता है वो काफी ज्यादा रिलीजियस होता है और सैड होता है. ठीक है, इसका चेहरा बिल्कुल रेड सा होता है, इंसैनिटी के लेवल में पहुंच चुका रहता है ये पर्सन. इन अर्ली स्टेजेस we can prescribe Melilotus alba to relieve brain from pressure and irritation. ठीक है, इसको जब भी nose bleed का मतलब होता है epistaxis. ठीक है, तो nose bleed या फिर epistaxis जब भी होती है तो उस time intense redness देखने को मिलती है कहाँ पर? चेहरे पर, and throbbing of carotids. ठीक है, इससे examination में कई बार questions पूछे गए हैं that intense redness and फ्लशिंग ऑफ फेस एंड कैरोटिड्स कौन सी रेमेडी में दिया गया है. ठीक है, इसका चेहरा बहुत ज्यादा रेड होता है और हर ऑर्गन से ऑलमोस्ट हीमरेज देखने को मिलता है. ठीक है, इसका कॉन्स्टिपेशन कैसा होता है? काफी ज्यादा डिफिकल्ट और पेनफुल. एनल रीजन में कंस्ट्रिक्शन फील होता है. ठीक है, और नो डिजायर अंटिल देयर इज लार्ज अक्यूमुलेशन. बिल्कुल सेम स्टेटमेंट ये एल्यूमिना जो रेमेडी है इसमें भी मेंशन की गई है, दैट इसके पर्सन को तब तक डिजायर नहीं होती है स्टूल पास करने की जब तक एक्सेसिव बहुत सारा अक्यूमुलेशन नहीं हो जाता. ठीक है, नाउ दीज आर द रिलेशनशिप्स ऑफ द रेमेडी दैट यू नीड टू कीप इन माइंड. नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्रेवेशन, ज्यादातर स्टॉर्म के वक्त या फिर रेनी वेदर में Melilotus alba के पेशेंट की प्रॉब्लम बढ़ती है. ठीक है, सो दिस वॉज इट अबाउट Melilotus alba. अब मैं इसके एग्जाम बेस्ड जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी बात करूं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो है इसका हीमरेज. ठीक है, इसके हीमरेज के ऊपर एग्जामिनेशन में मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट Melilotus alba. आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड.